अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं सिरन वैली मुंडी की तरफ, और इसमें जो सबसे पहली जगह आई है वो है डाडर, और मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ जो कि यहाँ का लोकल है, और उसने मुझे ये जगह बतानी थी। तो सबसे पहले यहाँ की जो नेचुरल व्यूज़ है, ठीक है, मैं आप लोग को वो बताता हूँ। और यहाँ के बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं, बहुत मज़े की जगह है। तो मेरा तो यहाँ पे रुकने का दिल हुआ सबसे पहले, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लो, इसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे जो मुंडी की तरफ है। और यहाँ के सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को यहाँ के ड्रोन व्यूज़, क्योंकि यहाँ नीचे से इतना अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो ड्रोन व्यूज़ देखें, फिर हम आगे जाएँगे। डाटर है, बहुत खूबसूरत इलाका है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सी नेचुरल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और डाटर का रास्ता इस तरह कि आपने शिनकारी से अलग होना है, एक रोड जाता है डाटर की तरफ, आपने उस रोड पे जो है ना जाना है, और आगे सबसे पहले आएगा डाटर, और ये फिर यही रोड जाता है आगे मुंडी की तरफ जो सिरन वैली ये सारी। अच्छा, मुंडी जाते हुए रास्ते में हम रुके हुए एक जगह है सच्चा, और ये है मेरा दोस्त, ठीक है, जो मेरे साथ आए हुए साथ, तो इसको पता है सच्चा के बारे में, तो ये थोड़ा सा बता देगा। अच्छा, आप लोगों को सच्चा जो है ये डाडर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत और पुरसकून जगह है, बड़ा देसी माहौल और बड़े अच्छे किस्म के अच्छे अखलाक वाले लोग हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आए, अगर आपको आपके यहाँ के देसी लोग मिलेंगे, दे विल ऑफर यू सम गुड देसी फूड, और बारबेक्यू के लिए और मतलब इस तरह से फन करने के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। आपको हम इस चीज का भी सराउंडिंग एरिया दिखाते हैं। यार तुम तो इसके लोगों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो नेचुरल व्यूज है, ये जो पानी यहाँ पे एक नदी सी है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, इसके भी ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो एंजॉय कर लें। ये देखिए जी, कितना नेचुरल, एक मजे की एक चक्की बनी हुई है, मैं उसमें आया हूँ, और वो आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बन रहा है आटा, और बहुत ही नेचुरल और बहुत पुराने की वो जो लाइफ है उसमें बंदे को लेके जाता है। तो ये लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, और इसमें आपको सारा वो पुराना तर्ज तरीका जो है ना यहाँ का वो देखेगा, बहुत ही नेचुरल चीज़ है।
सच्चा और यहाँ की आप लोगों ने वेज देखी, यहाँ की बहुत सी नेचुरल चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। वैसे हम हमारा टारगेट है मुंडी, लेकिन अगर टाइम कम हुआ तो हम वापसी करेंगे। यहाँ पे जो रास्ते में देखने को चीज़ें मिलती है वो पता नहीं वहाँ पे हो गया नहीं, मैं तो नहीं गया कभी। तो ये भी बहुत मज़े का कंटेंट है। वैसे अगर कोई यूट्यूबर्स वगैरह यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत बेस्ट जगह यहाँ पे, ठीक है, टूरिस्ट के लिए, ठीक है। और बाकी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं, तो इस इलाके को प्रमोट के लिए बहुत मज़े की जगह है। तो अभी हम जाएंगे आगे मुंडी की तरफ, ठीक है, और आप लोगों को भी साथ लेके जाते हैं और इस व्यूज़ को, ठीक है, आप लोग भी इंजॉय कर ले। तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे मुंडी जाते हुए हमारे साथ हो गया एक बैड सीन, क्योंकि यहाँ पे अपने रोड देखा भी वो ख़राब है। और यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें बताया कि आप लोग आगे नहीं जा सके, वहाँ पे काम हो रहा है। थोड़ी सी जगह रह गई थी, लेकिन अब वो जो मेडोज थे वहाँ के, असल में मुंडी की जो स्पेसिफिक साइट है उस तक हम नहीं पहुँचे। बाकी ये खूबसूरत जगह जो हमने कहा यहाँ पर इंजॉय कर लेते, यहाँ पर आप लोग को ड्रोन शॉट्स वगैरह बता लेते, इतनी नेचुरल व्यूज़ वहाँ पर, ऊपर ग्लेशियर्स वगैरह है वहाँ से ये पानी आता है। तो यहाँ तक हमारा वो सफ़र था। ये तीनों पहाड़ों के बीच में इतने खूबसूरत घर, ठीक है, और एक विलेज सा है, आप लोग वो देख लें। आई होप सो मेरा ड्रोन वहाँ पे पहुँचे। आखिरी स्पॉट, ठीक है, और यहाँ से हम वापसी करेंगे आगे रोड ब्लॉक है। तो ये जितना इलाका था सिरन वैली मुंडी तक वो सारा हमने एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर लें। अब अभी वापसी पे हम आप लोगों को एक दो जगह बता देंगे, ठीक है, जो इस तरह विलेज वगैरह है, और इसके बाद फिर वापसी करेंगे। दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट, ठीक है, और यहाँ के ड्रोन शॉट्स आप देख लें, और फिर यहाँ से हम करेंगे वापसी। और आज का व्लॉग ख़त्म हो गया, और ये था आज टाडर के बारे में। आज सिरन वैली और मुंडी जाने की हमने कोशिश की लेकिन नहीं जा सके, अभी बारिश होने वाली है।
और हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।